तो हेलो जी, कैसी है पब्लिक? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर हम लोगों ने पुरानी वीडियो भी एक बारी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, जब ये एकदम से प्राइस में स्पाइक आया था। उसमें हम लोगों ने कवर करा था कि अब जो नेक्स्ट मार्केट खुलेगी, ओपनिंग होगी, उसमें हम लोग को एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और ये जो सपोर्ट एरिया बनाया था, हम लोगों ने ये भी डिस्कशन करा था इस सपोर्ट एरिया के नीचे मार्केट जाएगा, बिकॉज ये जो जितना पैसा मार्केट में एकदम से पंप हुआ है, उतना ही पैसा एकदम से डंप भी तो होगा ना भाई। एग्जैक्टली मार्केट में वही रूल फॉलो हुआ है, पंप एंड डंप वाला। एकदम से मार्केट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी आया एंड एकदम से वो ड्रेन आउट हो गया। ओके, अब बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स और टारगेट्स के ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग को प्रॉफिटेबल बनने में काम करेगा। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग का ये नियरेस्ट सपोर्ट एरिया था, अभी ये वर्क करेगा, ट्रीट करेगा एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, दो टाइम दो टू डेज से, ये देखिए, ये हो गया 1 तारीख, 1 फर्स्ट ऑफ जून, ये 2nd ऑफ जून। दोनों दिन मार्केट ने क्या करा है, इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करा है इस लेवल को। ओके, एंड अपना नियरेस्ट नया सपोर्ट इसने फॉर्म कर लिया है। नया सपोर्ट कौन सा फॉर्म करा है वो मैं आप लोग को प्लॉट करके दिखाता हूँ चार्ट पर। इस लेवल पर देखिए, ये जो रेंज बनाई है मैंने, ये सपोर्ट रेंज है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते हैं, बिकॉज मार्केट यहाँ से देख सकते हैं, कभी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके जा रहा है अपसाइड, कभी यहाँ से जा रहा है। और आप लोगों ने एक कॉमन सी चीज देखी होगी, दोनों टाइम मार्केट ने देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई है, फर्स्ट यहाँ पे बनाई है, सेकेंड टाइम यहाँ पर भी बनाई है। ओके, जब दो दो बारी मार्केट हैमर कैंडल बना के अपसाइड अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस एरिया, जो हम लोग का पुराना सपोर्ट एरिया था, वो रेजिस्टेंस एज अ ट्रीट कर रहा है, वो मार्केट को बार बार डाउन साइड पुल डाउन कर रहा है। ओके, तो देखिए मार्केट में आप लोग को रीजन के साथ थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी स्टॉक की जितनी भी वीडियोज आती हैं बाकी यूट्यूब चैनल पर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स डिस्कस करके बता जाते हैं, डिस्कशन भी नहीं करते, आप लोग को लेवल्स ड्रॉ करके चले जाते हैं। हमारे चैनल पे आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ताकि वो बात आपके माइंड में बैठ जाए, ताकि जब भी अगले टाइम आपके पास चार्ट में ऐसा कुछ देखने को मिले, आपका माइंड तुरंत ट्रिगर करे उस बात को और आप वहां पे प्रॉफिट बना पाओ। ओके, तो देखो मार्केट यहाँ पे हम लोग को वापस से अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है इसी सपोर्ट एरिया के पास, तो हम लोग यहाँ फ्रेश ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगेन, और टारगेट कितना इस रेजिस्टेंस एरिया तक का रख सकते हैं। अब आप लोग को देखने में ये रेंज छोटी लग रही होगी, बट अगर आप लोग मेजर करें पॉइंट्स में, देखिए 23 पॉइंट्स की रेंज है, और अगर आप लोग इंट्रा डे में 23 पॉइंट्स खाते हैं कोई शेयर में, बहुत तगड़ा आपको प्रॉफिट हो सकता है। ओके, 23 पॉइंट्स अराउंड इस शेयर का 1% है, मतलब आप जितना कैपिटल लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे उसका आराम से 1% से ज्यादा का रिटर्न आपको एक ही दिन में इंट्रा डे में ये स्टॉक दे सकता है। तो देखो अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसमें हम लोग को डील क्या करना है स्टॉक से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ हैमर कैंडल अगर मिलती है, हैमर कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हैमर कैंडल फॉर्म होगी यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और टारगेट्स हम लोग को 19,950 रुपीज तक का रख सकते हैं। ओके, डाउन साइड की अगर बात करते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हम लोग को फॉर्म कर ढूंढनी है। कौन सी कैंडल? इन्वर्टेड हैमर कैंडल या बियरिश मारूबूसा कैंडल। जैसा कि आप लोग ये कैंडल देख पा रहे होंगे, बियरिश मारूबूसा कैंडल बोलते हैं इसको, अगर ऐसी कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है और इस कैंडल के साथ ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोग को नीचे डाउन साइड में बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अराउंड राउंड ऑफ लेवल होता है हम लोग का 19,000 का। ओके, कितने का? 91,900 रुपीज का। ओके, 1,900 रुपीज तक का डाउन साइड में लेवल्स दे सकता है। बस हम लोग को कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या स्पॉट करना है, या तो हैमर या बियरिश एंगलफिन कैंडल, इन दोनों कैंडल के बेसिस के ऊपर हम लोग अच्छा प्राइस एक्शन अपने चार्ट के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो बस हमारी यहीं तक थी। वीडियो में आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट कौन सा लगा, आपको कौन सा पार्ट ऐसा लगा कि ये पार्ट आपके लिए बहुत यूजफुल था वीडियो में, ओके तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी कोई नेक्स्ट मजेदार ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे डेली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल कंटेंट के साथ विद रीजन। अगर आपको जानना है, स्टॉक मार्केट सीखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ताकि आपको डेली ऐसा कंटेंट मिलता रहे।